कैलाश पर उपस्थित हो। शुक्राचार्य, दुर्गमासुर के अत्याचारों के दोषी आप हैं। दैत्य जाति के पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा के कारण ही आपने दुर्गमासुर को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण पृथ्वी लोक का जीवन संकट में पड़ गया है। शुक्राचार्य, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दो। ये क्या उत्तर देंगे स्वामी, ये स्वयं अपने जीवन पथ पर भ्रमित हैं। जगत की व्यवस्थाओं के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में तो इनको गुरु कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शुक्राचार्य, शांत रहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति से व्यक्तिगत संघर्ष में ये शुक्राचार्य निरीह मनुष्यों की नृशंस हत्याओं के मूल्य पर विजय पाने के लिए इच्छुक हैं। क्रोधित न हो माता, मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। भक्त? तुम्हें भक्त कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। भक्त वो होता है जो सज्जन हो, किंतु तुम दुर्जन हो दुर्जन। मानव कल्याण के स्थान पर तुम्हारी भक्ति मानवता के सर्वनाश के लिए ही जागृत होती है। क्षमा महादेवी, क्षमा, आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। शुक्राचार्य, मैं सत्य कहता हूँ महादेवी। मेरा कार्य विधि के विधान तथा परमपिता ब्रह्मदेव की सृष्टि के अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट कहो शुक्राचार्य। देवादिदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के विभागों को बांटते समय मुझे दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस स्थापना से तुम्हारे कुकृत्यों का क्या संबंध? संबंध है जगदम्बे, बहुत घनिष्ठ संबंध है। दैत्य गुरु दैत्य जाति को चरम सीमा तक पहुंचाने और दैत्य शत्रु देवताओं के पतन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार नहीं खो देगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। ये सहज शांत होने वाला नहीं है। और अब तुम सृष्टि व्यवस्था की नवीन परिभाषा गढ़ रहे हो। नहीं माता, नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या तुमने दुर्गम को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा देकर संसार में अज्ञान तथा अंधकार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या ये विधि के विधान के अनुकूल है? क्या ये सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत है? शुक्राचार्य, तुम अपने आप को शिव भक्त कहते हो, किंतु तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम दुर्गमासुर को आदेश देकर वेदों को अविलंब मुक्त करवाओ। शुक्राचार्य, सृष्टि के प्रथम दिन से दैत्य हमें अपना आराध्य मानते हैं। आप ही हमारे आराध्य हैं शिवशंकर। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुर्गमासुर को वेदों की मुक्ति का परामर्श दो, अन्यथा दुर्गमासुर के साथ ही साथ दैत्य जाति के सर्वनाश के उत्तरदायी तुम भी होगे। मुझे नहीं लगता स्वामी कि वह दुष्ट अत्याचारी दुर्गमासुर आपकी या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। हाँ भोलेनाथ, बिना यम के घर पहुँचे ये दुर्गमासुर वेदों को मुक्त करने वाला नहीं है। आप उस अत्याचारी दुर्गमासुर को यम के घर पहुँचाने के लिए कुछ करें महादेव। हम ब्रह्म वाक्य के मर्यादा से बने हैं ऋषिगण, किंतु हमारी शक्ति रूपिणी पार्वती आपके प्रार्थना पर ध्यान अवश्य दे। आप प्रतीक्षा करें ऋषिगणों, जब अधर्मी दुर्गमासुर के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तब शिव की शक्ति शिव इच्छा से उस दुष्ट अत्याचारी का सर्वनाश कर देगी। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। महाबली महाशक्ति संपन्न
वरदानी दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। अपने गुरु की कल्पनाओं को साकार करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्यराज दुर्गमासुर हमारे सम्मुख अविलंब प्रकट हो। हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर आदेश देने के इच्छुक हैं। आदेश? महाबली, महाशक्ति संपन्न महावीर दुर्गमासुर को आदेश। तुम्हारे दुस्साहस की हम प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य, कि तुम अब भी मुझे अपने आदेश की सीमा में बांधने का साहस रखते हो। दुर्गम, क्या तुम भूल गए पाताल में पड़े तुम्हारे अर्धमृत शरीर को उठाकर मैंने इस योगी बनाया है? अपने शब्दों को मुझे संबोधित करते समय गरिमा का विशेष ध्यान रखो शुक्राचार्य। तुमने इस योग्य बनाया है नहीं, बनाया था। आज दुर्गमासुर अपने अखंड तप के कारण संसार की समस्त ज्ञान धाराओं का स्वामी है। तुम्हारे जैसे सहस्त्रों गुरु ऋषि मुनि दैत्यराज दुर्गमासुर की चाकरी करके सुख पाते हैं। पुत्र दुर्गम, मेरे पिता बनने का प्रयास न करो शुक्राचार्य। अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन न करो। ज्ञान की समस्त शाखाओं एवं वेदों के स्वामी दुर्गमासुर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें देवताओं से बचाने वाला मैं ही था? इतना अहंकार मत कर दुर्गम, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। पतन? दुर्गमासुर का पतन? संसार की इस नव महाशक्ति का पतन? असंभव, असंभव। लगता है तुम मेरे क्रोध के भागी हो गए शुक्राचार्य। सुनो, तुम अभी इसी समय से शिव की आराधना को त्याग कर मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। संसार के सभी ऋषि मुनि मेरी आराधना करके सुख भोग रहे हैं। शिव शिव, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो दुर्गमासुर? मैं तुम्हारे हित की बात करने का इच्छुक हूँ। हित? हमारे हित की बात? हम भी तो सुने, ये दीन हीन दरिद्र शुक्राचार्य हमारे हित की कौन सी बात सुनाने का इच्छुक है? इस प्रकार तुमसे बातें करते मेरी ग्रीवा दुखती है। मेरे जैसे महान शक्ति संपन्न विकराल दैत्यराज के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है शुक्राचार्य। दुर्गम, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आ, आ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आ। जो भी कहना है अति शीघ्र कहो, मेरा समय मूल्यवान है, मुझे अपने भक्तों को संतुष्ट करने भी जाना है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर का आदेश है कि तुम वेदों को अपने बंधन से मुक्त करो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत खोखला है शुक्राचार्य। अपने ऋण की हर बात मुझे स्मरण करवाते हो, किंतु ये भूल गए कि चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए तुमने ही मुझे ब्रह्मा की तपस्या का आदेश दिया था। अब उस शिव से भयभीत होकर अपने वचनों से पलट रहे हो। शिव का आदेश मानो पुत्र, वो इस संसार की परम शक्ति है, हम सबके स्वामी है। परम शक्ति?
इस संसार में मात्र एक ही परम शक्ति है और वो है दुर्गमासुर जो तुम सबका स्वामी है। भगवान शिव का आदेश और मेरी प्रार्थना मानो दुर्गम, इसी में दैत्य संस्कृति का हित छुपा है। दैत्य संस्कृति का हित महाबली दुर्गमासुर की भुजाओं और बाहुबल में छिपा है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने का अर्थ है दुर्बल देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाना। ये असंभव है शुक्राचार्य, असंभव। देवता भले कितने बलवान हो जाएं दुर्गम, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। प्रथम बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूँ शुक्राचार्य। इस सत्य को स्वीकार कर वेदों को मुक्त कर दे दुर्गम, ये शिव इच्छा भी है। शिव शिव शिव, बार बार मेरे सामने उस रंखड़ंग का नाम ना लो। बात करने का बहुत सौभाग्य प्रदान किया है तुमको, और सुनो, मेरा अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है। दुर्बल देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर मैं अपना अधिकार करूंगा, और उसके उपरांत तुम्हारे शिव को भी देखूंगा। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है दुर्गम। हे शिव शंकर, हे दैत्यों के आराध्य, ये कैसी माया है। आज आप सबकी ये दीनहीन दशा देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारा उद्धार कर। देवताओं, मैं यहाँ आप सबको आतंकित करने नहीं आया, परंतु ये सत्य है कि दुर्गमासुर अपनी आसुरी शक्तियों के साथ किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। देवराज इंद्र की ये सभा में उपस्थित सभी देवताओं, यदि आप इस प्रकार शोकमग्न और आतंकित हो गए तो संसार का क्या होगा। देवर्षि नारद। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, क्या आपने दुर्गमासुर से सावधान रहने के लिए देवताओं का मार्गदर्शन एवं उनमें उत्साह का संचार नहीं किया। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है देवर्षि नारद। वेदों को पाताल लोक के बंदी ग्रह में डालकर दुर्गमासुर ने पृथ्वी लोक पर यज्ञ आदि कार्य समाप्त करवा दिए हैं। यज्ञ आहुतियों से शक्ति न मिलने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। ये तो कटु सत्य है देवर्षि कि दुर्गमासुर के आक्रमण की स्थिति में देवगण उसका सामना नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं देवर्षि नारद, इस समय आप दोनों का कर्तव्य है कि स्वर्ग की रक्षा हेतु देवताओं को उत्साहित करना, किंतु आप तो दुर्गमासुर की शक्ति का उल्लेख कर हमें युद्ध से पहले ही हरा देना चाहते हैं। नारायण नारायण, सत्य को स्वीकार ना करना ये बुद्धिमानी नहीं होती देवराज इंद्र। परमपिता ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति के कारण दैत्य दुर्गम एक अजय योद्धा के रूप में उभर आया है, तथा उसके विपरीत यज्ञ शक्ति प्राप्त न होने के कारण देवताओं की चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो गई है। और इसी कारणवश जब दैत्य दुर्गम स्वर्ग पर आप पहुंचे, उससे पूर्व आप सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से पलायन कर जाएं, यही उचित होगा। मैं अभी शक्ति माता का आवाहन करके आ रहा हूँ। मुझे संकेत मिला है कि माता शक्ति ही दुर्गमासुर का अंत करेगी, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति, जब दुर्गमासुर की शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन कर जाएंगे, तब शक्ति माता सहायता करेंगी।
ऐसी स्थिति में हम शक्ति माता से सहायता की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। देवराज इंद्र, कह लेने दीजिए देवर्षि, कह लेने दीजिए। जब देवताओं की गरिमा और मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तब शक्ति माता की सहायता का क्या उद्देश्य है? जब असुरों के अपवित्र चरण इस स्वर्ग की धरती को नष्ट कर देंगे, तब हमें स्वर्ग में शक्ति माता की सहायता की क्या आवश्यकता है? संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो ये है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देव गुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण, आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है, आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं।